उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी के तहत नागौर जिले के डिंडवाना में भी NSUI के विरोध प्रदर्शन किया है और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मोर्चा खोल दिया है। इस दौरान छात्र नेताओं ने कहा है कि खुले तौर पर यह लोकतंत्र की हत्या है। किसानों को न्याय दिलाने की मांग कर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। यूपी लखीसर में परसों किसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। वहाँ के एक केंद्रीय मंत्री के बेटे वहाँ पर अपने 4-5 गाड़ियाँ लेकर गुंडों के साथ में आए और किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चला दी। उसमें 5 से 4 किसान शहीद भी हो गए, कुछ लोग उनके भी शहीद हुए, उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया और उनके अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई है, न उनको गिरफ्तार किया गया है। जबकि यहाँ से राजस्थान सरकार की तरफ से 3 विधायक गए, चेतन जी डूडी, अदानी सबराज, उनको भी वहाँ पे यूपी पुलिस ने जैसे ही उन्होंने यूपी में एंट्री की गिरफ्तार कर लिया। तो ये मोदी सरकार, योगी सरकार की जो भी तानाशाही है वो नहीं चलेगी। उनको किसानों के साथ बैठकर बात करनी चाहिए और जो भी मसला है वो शांतिपूर्ण तरीके से हल कर लेना चाहिए। दोषी कोई भी हो, चाहे मोदी सरकार में से कोई मंत्री हो, चाहे योगी सरकार में से कोई भी मंत्री हो, पुलिस को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।